हेलो गाइस, आज मेरा है बैंकॉक में आखिरी दिन और मैं आज थाईलैंड को अलविदा बोल के जा रहा हूँ मैं मलेशिया। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे रामा फोर, एक जगह है ये बैंकॉक का ईस्टर्न साइड में। तो यहाँ से मेरे को जाना है बैंकॉक साउथर्न बस टर्मिनल है, जो वहाँ से मेरे को सीधा बस मिलेगी हाथियाई के लिए। हाथियाई से फिर एक घंटा दूर पड़ जाता है मलेशिया का बॉर्डर। तो इस तरह से मैं अपना बस में जाऊँगा पूरा। तो मतलब मैंने चार कंट्रीज में बस में ही आया हूँ, एक खाली एक फ्लाइट ली थी मैंने वियतनाम की, उसके बाद में सारा मतलब बस से आया हूँ मैं। पहुँच तो गया यहाँ पे साउथर्न बस टर्मिनल पे, पर ट्रैफिक था थोड़ा, तो 28 किलोमीटर में 3 घंटे लगा दिए इसने बस ने, सभी जगह रुकती चली। पर अभी देखते हैं यहाँ से हाथियाई के लिए मेरे को बस लेनी है कहाँ से मिलेगी। ले लिया मैंने टिकट, बस तो मिली नहीं, पर यहाँ पे एक वैन है तो वैन में जाएंगे। और बस सारी निकल चुकी है, थोड़ा लेट हो गया मैं, तो बस 6 बजे तक निकल जाती है, मतलब 5-6 बजे तक। तो मेरे को थोड़ा टाइमिंग में मतलब था, ऊपर नीचे था। वैन मिल गई है, वैन ने पहुँचा देगी सुबह 10 बजे हाथियाई। तो देखते हैं कैसा रहेगा सफ़र। और अभी कुछ खा पी लेता हूँ मैं। तो गाइस खाना भी मिल गया है यहाँ पे, उसके बस स्टॉप के पास में ही है ये पूरा मतलब फूड का कोर्ट टाइप में। और ये आ गया अपना फूड। तो खाना बढ़िया है ये, खाली किस बात में यहाँ पे बस स्टैंड के पास में मतलब। और इससे भी सही तो मेरे को चटनी लगी, चटनी बहुत कमाल है, इमली मतलब इमली की बजाय चटनी काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पे आपको इस तरह के स्नैक मिल जाएंगे काफ़ी सारे, ये देखो 5-5, 10-10 बाद में मिल जाएंगे आपको। और खाने के यहाँ पे आपको बहुत ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे नॉन वेज खाने की तो कमी नहीं है कोई भी, बहुत सारी वेराइटी है यहाँ पे। हेलो, इज दैट चिकन? इज दैट चिकन? चिकन ओके, तो चिकन है ये, पता नहीं क्या ये भी मतलब कुछ डेजर्ट जैसा ही है। ये पूरी फूड मार्केट है। तो काफी अच्छा मॉल है यहाँ पे, पूरी मार्केट है ये, और सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। पर मोस्टली मिलेगा सब कुछ नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियंस के लिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है खाने का। तो खाने की तो यहाँ पे बहुत सारी वेराइटी है, जो मतलब अब तो आपने देखी भी नहीं होगी। मेरे लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ नहीं है जो मैंने मतलब पहले नहीं देखी। तो काफ़ी सही मार्केट है ये। सी फूड सब कुछ ये तो बहुत कॉमन है यहाँ पे, मीट Is that fish? Meat. Is that ready to eat? तो ये देख सकते हो क्या क्या क्या, क्या मिलता है यहाँ पे। फिश है एक तरीके से, तो ये बिक रहा है यहाँ पे, और 10 रुपए में आपको ये मिलेगा, 10-10 यहाँ के मतलब करेंसी में 10 बात का। और 100 में ये ऐसा मिलेगा, तो ये सी फूड है, ये गुल्फी की तरह बिकता है यहाँ पे, जैसे कोई आइसक्रीम होती है मतलब उस तरह से बिकता है यहाँ पे, स्नैक है यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन बहुत सारे। तो ये तो कहना पड़ेगा कि मतलब फूड तो यहाँ पे कमाल का है, और काफ़ी कुछ है ट्राई करने के लिए। हाउ मच फॉर दिस वन? 25। ओके ओके। तो ये देखो क्या क्या है, कैंडी 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 है ये, सुशी। तो ये कीड़े भी मिलते हैं यहाँ पे। इज दैट ऑलरेडी कुक्ड? हेलो एक्सक्यूज मी, इज रेडी फॉर इट इज दिस? ओके, तो यहाँ पे रेट है। तो ये थाईलैंड में भी कीड़े बिकते हैं भाई, देख लो ये कीड़े हैं, ये देख लो जो मकोड़े होते हैं। कैन आई यू चेक? तो ये देख लो ये बिकते हैं यहाँ पे, और ये देखो दूसरी तरह के कीड़े हैं। कभी कीड़े खा के दिखा दूँ आपको। तो ये यहाँ की मेरे ख्याल से काफ़ी टेस्टी चीज़ है।
और ये देखो एक कीड़े ले रहे हैं, वो तोल दिए, वो मार दिया पानी का स्प्रे में। ये वाले कीड़े हैं फ्राइड किए हुए हैं, ये सारे फ्राई किया हुआ माल है। हाउ मच फॉर दिस, हाउ मच? 50 बात में ले दिया ये मैडम ने, ले लिया ये 50 बात में। तो कीड़े भी बिकते हैं भाई यहाँ, तो ये कसर है कि देखनी सब कुछ है बिकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है जो खाने तक भी पता नहीं लगेगा, खाने के बाद में जब थोड़ी रिसर्च करोगे तब पता लगेगा कि आपने फिश खाया था या मतलब कुछ और ही खा लिया या चिकन खाया था। तो कई कई बार हुआ मेरे साथ में ऐसा कि मतलब पता ही नहीं लगता यार यहाँ पे क्या खा रहे हैं। तो इनके मतलब डीसी कुछ इस तरह के बनाते हैं यहाँ पे। व्हाट इज दिस जूस? जेली। तो यहाँ पे इंजेक्शन में बिकती है मतलब जेली भी। हाउ मच फॉर वन इंजेक्शन? 10 baht। तो ये 10 baht की है ये। तो ये 10 baht की मतलब बिकती है ये जेली, ऐसा कुछ है यहाँ पे सिस्टम सारा। तो यहाँ पे इस तरह का मिलता है, देखो ये सी फूड है। तो यहाँ तो हर चीज़ मिल रही है, कपड़ों से लेके मतलब बैग तक हर चीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, जूते चप्पल। तो काफ़ी सही मार्केट है, सस्ते सामान की। बस स्टैंड के पास में ही है ये साउथर्न बैंकॉक बस टर्मिनल पे। 300 rupees में आपको यहाँ पे मतलब ऐसे स्नीकर मिल जाएंगे थाई बात में। तो यहाँ पे जूते भी काफ़ी अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, सेकेंड हैंड है पर ये सारे मतलब सेकेंड हैंड जूते। अगर जो आपको लेने हो तो 7000 का जूता आपको मिल जाएगा 500-700 rupees में। तो यहाँ पे जूते एक से एक है, बढ़िया बढ़िया जूते हैं, पर मेरे साइज का यहाँ पे कोई जूता नहीं है। मतलब एक आधा जूता है जो मेरे को पसंद नहीं आया, बाकी वेराइटी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया है कई जूते। हेलो एक्सक्यूज मी, हाउ मच फॉर ट्रिमिंग बियर्ड? हाउ मच? My shop, we don't have. Like, okay, if you need to trim over there. No, I'm asking, you are not giving a trimming. You are not giving beard services. No, I'm just asking how much? Maybe 50 baht. 50 baht for shaving? Yes. And 120 baht for haircut? Yes. Okay, nice. तो 120 baht में तो यहाँ पे मतलब हेयर कट होता है, और 50 बात में है दाढ़ी बनती है। तो 50 बात मान लो अपने इंडिया के 130 rupees, 20 rupees, 300 rupees का एक नॉर्मल सा हेयर कट है ये मान लो कि, मतलब एक ये बहुत नॉर्मल सी मार्केट है यहाँ पे है। तो काफ़ी महंगा है अपने इंडिया से, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है मतलब 2.5 गुना, क्योंकि मैं तो गांव में 50 rupees में कराता हूँ, मतलब 30-40 में हो जाता है, और अच्छी जगह भी मतलब अपने यहाँ पे 100 rupees तक हो जाता है, 100-150। कीड़े चलते हैं यहाँ पे, टीडे। तो यहाँ पे भी कीड़े खाने में मतलब ये पीछे नहीं है थाईलैंड। हेलो, विच वन इज एक्सपेंसिव? विच वन? हाउ मच फॉर दिस वन? 30 baht? 30 baht में मिलेगा ये। विच वन इज गुड? आई नेवर ट्राइड दिस वन इज बेस्ट। ओके, तो ये सबसे बेस्ट है, ये वाला है जो काफ़ी है।